नमस्कार सभी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य है। इसका संपूर्ण व्याख्यान मैं आप सभी के समक्ष चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत करूंगी, तो आप सभी जल्द से जल्द इस व्याख्यान को समझिएगा और पृथ्वीराज रासो की इस कथा को आप निर्धारण करने की चेष्टा अवश्य कीजिएगा। चलिए, तो पृथ्वीराज रासो जो हमारे समक्ष आता है, पृथ्वीराज रासो एक हिंदी के सर्वप्रथम महाकाव्य के रूप में आता है और आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रासो काव्य का प्रथम ग्रंथ, जिसे हम कह दें और महाकाव्य हम कह दें, ये माना जाता है और चंद्रवरदाई को उन्होंने पहला महाकवि भी मान लिया है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हमारे समक्ष वीर और श्रृंगार रस महत्वपूर्ण रूप में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित चंद्रवरदाई ने ये काव्य लिखा। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो न केवल एक अच्छे मित्र रूप में थे, बल्कि चंद्रवरदाई उनके दरबारी कवि भी थे। एक साथ इनका जन्म हुआ और एक साथ ही इनकी मृत्यु होती है। इसी आधार बिंदु को आगे बढ़ाते हुए चंद्रवरदाई ने माँ सरस्वती की अनुकंपा से इस काव्य की रचना की थी। काव्य का स्वरूप प्रबंधात्मक है, यानी कि महाकाव्य की शैली में है, जिसके अंतर्गत जो युद्ध इत्यादि हुए हैं, जो तराइन का प्रथम युद्ध हमारे समक्ष 1191 में आता है, उससे पहले भी बहुत बार शाहबुद्दीन गौरी को हार का मुख देखना पड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन तराइन में 1191 का ये युद्ध महत्वपूर्ण था, जहाँ पर मोहम्मद जो आपके समक्ष आते हैं, गौरी, शाहबुद्दीन गौरी आपके समक्ष आते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान उनको माफ कर देते हैं और क्षमा दान दे देते हैं। शाहबुद्दीन गौरी वापस लौट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान उनकी ओर से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब वे ऐसा नहीं करेंगे और वे अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। उस तरफ दूसरी ओर होता क्या है, दूसरी ओर तराइन के युद्ध में जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं, उसके बाद में वे अपने राजकाज में लग जाते हैं। एक बार होता क्या है, जयचंद जो है, राजा जयचंद कन्नौज के राजा, उन्होंने एक रासुए यज्ञ का प्रारंभ करना चाहा है। रासुए यज्ञ का वो प्रारंभ आयोजन करना चाहते हैं और वो सभी राजाओं को निमंत्रण भेजते हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी इसका निमंत्रण मिलता है, लेकिन होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान और उनके सामंत उसके लिए मना कर देते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद से को इसको अपमानित महसूस करते हैं और वो फिर भी ठान लेते हैं कि मैं इस यज्ञ को जरूर करूंगा और वे एक पत्थर की मूर्ति बनाकर के द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान को वहां पर बैठा देते हैं और साथ ही साथ संयोगिता के स्वयंवर को भी वो उसमें आयोजन करते हैं। संयोगिता जो है उस द्वारपाल की मूर्ति अर्थात पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में वरमाला डाल देती है। पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को ले जाते हैं और दिल्ली कूच कर जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद में जयचंद को इससे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और वो शाहबुद्दीन गौरी के पास में एक संदेश भेजते हैं, जो संधि प्रस्ताव होता है। जैसे ही संधि प्रस्ताव उसके पास पहुंचता है और जयचंद जो है उनके साथ मिलकर क्या कर लेते हैं, भाई संधि कर लेते हैं और पृथ्वीराज को हराने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। जयचंद के द्वारा ये बताया जाता है, जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जयचंद ने बताया कि हम संध्या के समय में वहां पर हमला करेंगे, जिस समय सारे सिपाही इत्यादि सोयों, क्योंकि राजपूत जो है वो संध्या के समय हथियार नहीं उठाता। जैसे ही पृथ्वीराज जो है वो, क्योंकि निश्चिंत था कि भाई गौरी अब आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जयचंद के गद्दारी के कारण ऐसा होता है और बाद में उसको उसका फल भी भुगतना पड़ता है। होता यह है कि 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उसमें गौरी विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहेंगे यहाँ पर पहले तो बंदी बना लिए जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उसे गजनी ले जाया जाता है। ले जाकर वहाँ पर गरम लोहे की शलाके जो है वो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी जाती है। चंद्रवरदाई जो है, जो उनके अच्छे मित्र थे, जब उनको पृथ्वीराज चौहान को दी जाने वाली यातनाओं के बारे में पता चलता है, तो वे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वे पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई करते हैं और उनके द्वारा चलाए जाने वाले शब्द भेदी बाण के बारे में बताते हैं। तो इस बात पर वह चौंक जाता है, गौरी चौंक जाता है और वह कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि आप प्रतियोगिता करवा के देखिए। तो इस तरह का आयोजन एक किया जाता है और चंद्रवरदाई ये एक आपके समक्ष जो दोहा प्रस्तुत है ये बोलते हैं, 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। जब ये वक्तव्य पढ़ा जाता है तो इसी के आधार पर अनुमान लगाकर शब्द भेदी बाण जो है वो छोड़ दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और गौरी की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई भी एक दूसरे को ही वहां पर मार देते हैं। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम अंश है ये चंद्रवरदाई के बेटे जलहण के द्वारा पूरा किया जाता है।
जब ये स्वरूप होता है भाई, जब पूरी तरह से शासन जो है पूरी तरह तहस नहस, तो उसके बाद में तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा चलाए गए शब्द भेदी बाण के द्वारा गौरी की मृत्यु हो जाती है और गौरी के बाद में संपूर्ण जो सत्ता है वो कहेंगे गुलाम वंश के हाथ में आ जाती है और अंत में जो शासन है वो आपके समक्ष गौरी का शासन वहां पर समाप्त हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक हमारे समक्ष आते हैं, उनकी सत्ता हमारे समक्ष आती है। तो ये था हमारे समक्ष पृथ्वीराज रासु का एक संक्षिप्त सार, मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आने वाले समय में और भी ग्रंथों को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।